एबीपीएस न्यूज़। एबीपीएस न्यूज़ टीम का अगला पड़ाव जनपद हाथरस के ब्लॉक हाथरस में स्थित भोपतपुर गांव पहुंचा। इस गांव की दूरी ब्लॉक से 21 किलोमीटर तो वहीं जिला मुख्यालय से 30 किलोमीटर है। लगभग 4000 की आबादी व 2000 वोटरों द्वारा शकुंतला देवी को अपना ग्राम प्रधान चुनकर गांव के विकास की जिम्मेदारी सौंपी है। वर्तमान समय में गांव में लगभग 400 राशन कार्ड धारक हैं। गांव में शिक्षा के स्तर की बात करें तो प्राइमरी पाठशाला एवं जूनियर हाई स्कूल में लगभग 65 बच्चे शिक्षा ग्रहण करने आ रहे हैं। गांव में विकास कार्यों की बात करें तो पेयजल आपूर्ति व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए 40 हैंडपंप लगे हुए हैं। वर्तमान प्रधान द्वारा 4 हैंडपंपों को भी रिबोर कराया गया है। वहीं विद्युत व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए गांव में लगभग 150 विद्युत पोल, 20 विद्युत ट्रांसफार्मर व 75 स्ट्रीट लाइट भी लगी हुई हैं। वर्तमान प्रधान द्वारा गांव में 3 सीसी टाइल्स रोड, खड़ंजे व पानी निकासी के लिए नाली का निर्माण कराया गया है तथा वर्तमान प्रधान की देखरेख में स्वच्छ भारत मिशन के तहत 211 घरों का भी निर्माण कराया गया है। एबीपीएस न्यूज टीम से बात करते हुए ग्राम प्रधान प्रतिनिधि ने गांव में पानी निकासी के लिए नाला, सीसी टाइल्स रोड, खड़ंजे, स्वास्थ्य केंद्र, पंचायत घर, बारात घर, शमशान घाट की बाउंड्री, पानी की टंकी, तालाब, पशु चिकित्सालय, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास व स्वच्छ भारत मिशन के तहत इज्जत घरों के निर्माण की मांग राज्य व केंद्र सरकार से की है। मैं प्रधान पुत्र सौरभ सिरोंदिया, गांव भोपतपुर, विकास खंड हाथरस, तहसील हाथरस। विकास कराए हैं, निर्माण 75 स्ट्रीट लाइट, मनरेगा कार, मिट्टी कार, और मेरी मांग है स्वास्थ्य केंद्र, ग्राम पंचायत घर, बारात घर, शमशान घाट, सौंद कार्ड, पानी की टंकी, तालाब का सौंद कार्ड, पशु स्वास्थ्य, यही बहुत आवश्यकता है। आपसे निवेदन है कि गरीबों को आवास मिलना चाहिए, गरीबों को आवास ज़्यादा से ज़्यादा आवास मिले।